गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर टू ऑफ क्लास फाइव, दैट इज हेल्थ एंड हाइजीन। तो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट आवर हेल्थ, है ना, और हाउ डू वी कीप आवर बॉडी क्लीन, इट मींस हाइजीन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना है, और हेल्थ में अपने से अपने अपना हेल्थ खुद का और अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है वो हाइजीन, साफ सुथरा हम लोग कैसे रहें, उसके बारे में हम लोग को जो है वो स्टडी करना है। तो इस चैप्टर में जो है सबसे पहले हमारा है कि क्लीनिनेस एंड केयर ऑफ द बॉडी। तो क्लीनिनेस एंड केयर ऑफ द बॉडी सबसे फर्स्ट मेन चीज हमारा यही है, क्योंकि हम अपने अगर अपने सराउंडिंग को अगर क्लीन कर देते हैं, हमारे आसपास क्लीन है, सारा कुछ क्लीन है, और अगर हम ही स्वस्थ नहीं है, हमारा ही बॉडी हेल्दी नहीं है, हम ही जो है वो सही से नहीं है, हाइजीन नहीं है, तो वो सराउंडिंग को जो है वो क्लीन रखने से कोई भी फायदा जो है वो नहीं होगा। तो सबसे पहले जो होता है वो अपने हेल्थ पे जो होता है, हम लोगों को जो होता है वो ध्यान देना पड़ता है। सपोज कुछ क्या होते हैं कि हम लोग जो है वो जनरली जो है खाना खाने टाइम क्या करते हैं, जाते हैं हल्का सा हाथ धोते हैं, और हाथ धोने के बाद जल्दी से जो होता है वो खाना लेकर खा लेते हैं, है ना। अभी जो है क्या है कि जो है खाना खाने से पहले हम लोगों को जो है हैंड जो है वो आसानी से वॉश करना चाहिए। ये है जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा है कि रब हैंड्स पाम टू पाम, है ना, आसानी से हमको जो है आराम से जो है वो हैंड को रब करना चाहिए। सेकेंड स्टेप है हमारा राइट पाम ओवर लेफ्ट डॉर्सम विथ इंटरलेस्ड फिंगर्स एंड वाइस वर्सा, है ना, कुछ इस टाइप का, है ना, ऐसे ऐसे क्या करते हैं हम लोग जो है वो वॉश करते हैं। फिर हमारा स्टेप थ्री पाम टू पाम विथ फिंगर्स इंटरलेस्ड, सारा को अच्छे से जो है वो स्टेप थ्री हमारा। स्टेप फोर हमारा बैक ऑफ फिंगर्स ऑफ अपोजिंग पाम्स विथ फिंगर्स इंटरलॉक, अच्छे से इस टाइप से जो है वो, यानी हमारे हाथ का सारा पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। फिर रोटेशनल रबिंग टू द लेफ्ट थंब क्लास्ड इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा। फिर है हमारा रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स विथ क्लास्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट पाम एंड वाइस वर्सा। यानी क्या करना है, खाने खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद या फिर कहीं से भी हम बाहर से भी आते हैं तो क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो हम पहने हुए हैं उसको निकाल कर रख दे, यानी पैर में फुटवेयर जो है उसको निकाल कर रख दे, और जो है वो हम लोग जो है वो हैंड एंड लेग एंड फेस हम लोगों को वॉश कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे फेस पे होते हैं, जम्स जो होते हैं हमारे हैंड में होते हैं, तो क्या करना है वॉश कर लेंगे तो जो हमारे हाथ में जम्स है जो बाहर से आए वो घर के अंदर की जो है वो नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला जो है हम लोगों को जो है वो खुद के हेल्थ के बारे में जो है वो ध्यान रखना होगा, उसके बाद ही जो है हम लोग इन्वायरमेंट के हेल्थ के बारे में जो है हम लोग सोचेंगे। उसके बाद जो है हम लोगों को आइस जो है हम लोगों को जनरली धोते रहना चाहिए कोल्ड वाटर से, ठंडे पानी से जो है हम लोग को जो है आइस धोते रहना चाहिए। नाक में हम लोग उंगली डालकर कचरा साफ नहीं करना चाहिए, कितने बच्चे क्या करते हैं खिलाते हैं नाक से निकालते हैं और निकालने के बाद थ्रो, है ना, तो नाक में उंगली नहीं करना चाहिए हम लोग जो है। अगर नोज को साफ करना है तो हमारे पास हैंडकरचीफ है, वाटर है ना, उसको यूज कर जो होता है हम लोग जो है अपने नाक को जो है वो साफ कर लेंगे। हमारे टीथ, कितने बच्चे होते हैं कि क्या करते हैं वो ब्रश नहीं करते, तो ब्रश नहीं करेंगे तो दांत जो है वो साफ नहीं होगा, हमारा टीथ जो है वो साफ नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा। जब टीथ क्लीन नहीं होगा तो फिर तो इसमें जो है वो जम्स का जो है वो घर बन जाएगा, जब जम्स का घर बन जाएगा तो क्या करेगा हम लोगों को दर्द देगा और हमारे सारे दांत को बर्बाद कर देगा। तो क्या करेंगे हम लोग जनरली जो है वो ब्रश करेंगे इन द मॉर्निंग, है ना, और इन द नाइट हम लोग को जो है वो दिन भर में दो बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह और एक रात को खाना खाने के बाद, दो टाइम जो है हम लोग को जनरली ब्रश करना चाहिए। कीप आवर टीथ स्ट्रांग, किसलिए,
हमारे टीथ, हमारे दांत को जो है, अपने दांत को जो है वो मजबूत रखने के लिए जो है हम लोग को दो बार जो है वो ब्रश करना चाहिए। तो ये सब चीज तरीके जो है हम लोग को जो है हमेशा साफ सुथरा कपड़े पहनना चाहिए, है ना। हम लोग जो बात करें तो सोप वाटर अच्छे से नहाए, ये ना कि कहे केवल पानी डाले बस हो गया, नहीं। अब हम लोग जो है अपने बॉडी पार्ट्स को जो है वो आसानी से जो है वो साफ करेंगे हाथ से, उसके बाद जो होता है हमारा बॉडी क्लीन होगा, ना कि कहे पानी डाले उसके बाद हो गया। और जो होता है ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को साफ सफाई साफ कपड़ा पहनना चाहिए। जब हम लोग खुद साफ हो जाएंगे फिर जो है हम अपने जो है वो सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरमेंट के बारे में ध्यान देंगे, है ना। हमारे आसपास का कचरा घर में देखते हैं, कुछ सामान उधर फेंका हुआ है, कुछ सामान उधर फेंका हुआ है, कुछ वेजिटेबल पेल्स उधर है, कुछ वेजिटेबल पेल्स उधर है, कुछ फ्रूट पेल्स उधर है, कुछ उधर है, तो उससे क्या होता है वो गंदगी फैलता है। तो गंदगी फैलता है तो जहां पे भी गंदगी फैलना शुरू होता है वहां से जो होता है वो डिजीज जो होता है बॉर्न होना शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग जो है अपने रूम, अपने घर को क्या करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, साफ करेंगे, है ना। उसके बाद जब हमारे अपना खुद का है ठीक है, घर की साफ सफाई ठीक है, तो फिर कहां से है, फिर हम लोग जो है वो अपने सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, सोसाइटी के बारे में सोसाइटी को क्लीन करेंगे, है ना, ताकि जो होता है बाहर से जो है वो गंदगी जो है हमारे सोसाइटी से गंदगी जो है हमारे घर में ना आए। तो घर में ना आए उसकी वजह से हम लोग अपने सोसाइटी, अपने आसपास कचरे का ढेर या फिर कचरे को जमा नहीं होने देंगे। तो ये सब जो है हमारा तरीका है, हमारा वे है। इसके लिए जो है नरेंद्र मोदी जो है 2 अक्टूबर 2014 को क्या किए थे, गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान जो है वो किए थे, चलाए थे। क्यों? क्योंकि स्वच्छ और स्वस्थ दोनों में बहुत ही जो होता है बहुत दोनों से, अगर स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो हम लोगों को जो है वो स्वच्छ रहना पड़ेगा, हमारे एनवायरमेंट को जो है वो स्वच्छ रखना पड़ेगा। इसकी वजह से जो है वो स्वच्छ भारत अभियान, तो गवर्नमेंट भी है जो कि बहुत सारे स्टेप लेती है हमारे एनवायरमेंट को, अपने आप को क्लीन रखने के लिए, है ना। जैसे अभी चल रही है कोविड 19 यानी कोरोना वायरस, क्या कह रहा है गवर्नमेंट कि खुद की साफ सफाई रखिए, है ना, ये ना कि बाहर से आए और उसी हाथ से जो है वो खाना खा लिए विदाउट वॉश, बिना वॉश किए हुए हैंड्स, है ना। जैसे तैसे आए वैसे ही बैठ गए रूम में जाकर और वैसे ही क्या कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आइए, कपड़े को साफ, कपड़े जो पहने हुए उसको साइड कीजिए, कपड़ा चेंज कीजिए, अपना जो है वो बॉडी को क्लीन कीजिए, उसके बाद जो है आप लोग अपना काम जो है वो कीजिए। तो ये है हमारा क्लीनिनेस एंड केयर ऑफ द बॉडी, क्लीनिनेस हमारा बॉडी साफ, हमारा सराउंडिंग साफ, है ना। अरे डिजीज कॉज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डिजीज कॉज ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी बताएं कि कचरा रहेगा, हमारे घर में कचरा नहीं है, मान ली हमारा घर साफ सुथरा है, लेकिन हमारे बाहर का कचरा है, हमारे घर के बाहर कचरा है, हमारे सोसाइटी में कचरा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, सोसाइटी में कचरा है तो ये थिंकिंग गलत है कि वो केवल दूसरे के लिए, नहीं, क्योंकि सोसाइटी में आप भी रह रहे हैं तो वो जो डिजीज फैलेगा, तो 1% to another person, 1% जो है वो कचरा फेंक रहा है तो उससे आप भी बीमार पड़ेंगे। तो क्या करेंगे हम, आपको सोसाइटी को क्लीन रखेंगे, जैसे हमारा हो गया डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, है ना, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, ये सब जितने भी डिजीज हैं ये सब सारे जो है वो गंदगी से फैलने वाले हैं। तो जहां गंदगी रहेगा वहां ये सब डिजीज जो है वो बॉर्न होंगे, और अगर बॉर्न होते हैं तो हम लोग को जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। उसके बाद है कीपिंग दी सराउंडिंग्स क्लीन, तो कीपिंग दी सराउंडिंग्स क्लीन हम आप लोग को बता दिए कि क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरमेंट, अपने सराउंडिंग्स यानी अपने घर के चारों तरफ जो है वो साफ सफाई जो है वो रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो जो होता है हमारे एनवायरमेंट में जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है इजिली, अगर सॉइल में डाल देते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है आफ्टर सम टाइम। जैसे ये फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स का जो पिल्स हो गया है ना छिलका, वो भी जो है हमारा क्या है वो आसानी से जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। वेजिटेबल पिल्स है वो भी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। हमारा पेपर है वो भी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। हमारा लकड़ी है वो भी आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, है ना। तो वैसे सब वैसे जो होता है अगर वो चीज खराब हो गया, पेपर हमारा खराब हो गया
वेजिटेबल पिल्स निकाल दिया, लकड़ी हमारा टूट गया, वो सब सारा क्या है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, यानी वो हमारे एनवायरमेंट में जो है वो इजिली जो है वो मिल जाएंगे और इजिली जो है वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो वैसे वेस्ट को हम लोग जो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है जनरली वैसे वेस्ट होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में जो है वो मिलते नहीं, क्या होते हैं वो एनवायरमेंट में मिलते नहीं है और फिर जो होता है एनवायरमेंट को वो कॉज करते हैं, एनवायरमेंट को हार्म करते हैं, है ना। तो उसकी वजह से जो है हम लोग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ना हो ज्यादा, उस पर हम लोग को जो है वो ध्यान रखना होगा। उसके बाद है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट यानी कुछ वैसे वेस्ट होते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए। कैसे? जैसे कोई प्लास्टिक वगैरह बर्न करते हैं, वैसा प्लास्टिक है ना जो कि हार्मफुल है, उसको बर्न करते हैं तो वो एयर पोल्यूशन करेगा, एयर पोल्यूशन करेगा तो हम लोग बीमार पड़ेंगे। कुछ दवा वगैरह का भी होता है, वो जो था उसका वेस्ट हम लोग जो है वो कैसे उसको जो है वो डिकम्पोज करवाए, उसको कैसे जो है हम लोग फेंके उस वेस्ट को, वो हम लोग को सोचना पड़ेगा है ना, ताकि जो है उससे जो है वो डिजीज जो है वो डिजीज या फिर पॉल्यूशन जो है वो ना हो। तो कुछ जो वेस्ट होते हैं हजार्डस होते हैं यानी खतरनाक होते हैं। तो प्लास्टिक को जो है हम लोग जो है वो बचा नहीं सकते हैं, कैसे? तो रीयूज करके बचा सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं और लैंडफिल कर सकते हैं। रीयूज, रिसाइकल, लैंडफिल, यानी वैसे प्लास्टिक जो कि हमारा जो है वो रीयूज होने लायक है, वेस्ट हो गया, टूट गया, लेकिन क्या कर सकते हैं उसको हम लोग जो है वो दे देंगे कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले क्या करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन को दे देगा जहां से जो है वो प्लास्टिक जो है वो आ रहा है, वहां पर वो प्लास्टिक जाएगा तो क्या करेगा उसको मेल्ट कर जो है वो फिर से दूसरा मटेरियल जो है उसका बना देगा। तो वो जो होता है हमारा रीयूज होता है। फिर हमारा रिसाइकल, रिसाइकल रियूज, हम लोग प्लास्टिक का फिर से जो है वो आएगा तो फिर से हम लोग उसका यूज कर लेंगे। रिसाइकल क्या हो गया? जो प्लास्टिक बिल्कुल वेस्ट हो गया है ना, वो उसको भी क्या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को दे देंगे, उसको फिर से जो है उसको रिसाइकल करके फिर दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बना देगा। रियूज में हम लोग जैसे पॉलीबैग भी लाते हैं, तो पॉलीबैग लाते हैं तो उसको थ्रो कर देते हैं सामान निकालकर, लेकिन वो काम करने से अच्छा है क्या करेंगे, उस पॉलीबैग को जो है हम लोग रखेंगे अच्छे से उसको रख देंगे, बाकी जो नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे सामान लाने, कोई गुड्स लाने, तो जो है पॉलीबैग का जो हम लोग यूज फिर से दोबारा कर सकते हैं। उसके बाद है लैंडफिल। कुछ वेस्ट जो होते हैं ना ही वो रीयूज होने के लायक होते हैं, ना ही वो रिसाइकल होने के लायक होते हैं, ना ही वो रीयूज होने के लायक होते हैं और ना ही वो रिसाइकल होने के लायक होते हैं। तो वैसे क्या करते हैं, वैसे वेस्ट को हम लोग लैंडफिल करते हैं, यानी मिट्टी में क्या करते हैं वो गड्ढा जो होता है वो गड्ढा कर देते हैं, और उसके बाद जो होता है उस वेस्ट को जो है हम लोग उसमें डाल देते हैं और ऊपर से जो है वो ढक देते हैं, ताकि जो है हमारे आसपास का जो है वो कचरा जो है वो आसपास में कचरा जो है वो जो उसके वजह से डिजीज बॉर्न ना हो वो जो है वो मिट्टी के अंदर। तो वैसे चीज को हम लोग जो है वो वैसे वेस्ट को जो है हम लोग लैंड फिल कर देते हैं। तो इस चैप्टर में आपका जो है वो इतना ही था, ये चैप्टर जो है आपका एंड हो गया, और इससे रिलेटेड जितने भी जो है नोट्स है, क्वेश्चन है, वो सारे आपके ग्रुप पे चले जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।